हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AS08 स्पोर्ट्स। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC और मोहन बगान सुपर जायंट का कल का मैच के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कल का मैच नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC और मोहन बगान सुपर जायंट का मैच का टाइम और लाइव टेलीकास्ट के बारे में। गाइस, कल का मैच स्टार्ट होगा 8 PM से और लाइव टेलीकास्ट के बारे में बात किया जाए तो टीवी पर आप लोग स्पोर्ट्स 18 पर देख सकते हैं, स्पोर्ट्स 18 खेल पर भी देख सकते हैं हिंदी में, और आप लोग VH1 पर भी देख सकते हैं। और आप लोग मोबाइल में देखना चाहते हैं तो आप लोग जियो सिनेमा में बिल्कुल फ्री में लाइव हो रहा है, आप लोग जियो सिनेमा में देख सकते हैं। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC और मोहन बगान सुपर जायंट का कंपैरिजन किया जाए तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC से मोहन बगान बहुत ही ज्यादा हेवी टीम है, इसीलिए मोहन बगान सुपर जायंट के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC को पॉइंट मिलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। और पॉइंट्स टेबल की बात किया जाए तो पॉइंट्स टेबल में भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC से मोहन बगान बहुत ज्यादा आगे है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC करेंट स्टेटस 7 है और मोहन बगान सुपर जायंट का पोजीशन 3 है, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC से मोहन बगान FC का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC से मोहन बगान सुपर जायंट बेहतरीन टीम बोल सकते हैं। और कल का मैच में मोहन बगान सुपर जायंट का हेड कोच जुआन फर्नांडो अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट मैच में जो उड़ीसा FC के साथ मोहन बगान FC ने मैच खेला था, इसी मैच में मोहन बगान सुपर जायंट का हेड कोच जुआन फर्नांडो को रेड कार्ड मिला था, इसीलिए इस मैच जुआन फर्नांडो सस्पेंडेड है। और इसके बाद मोहन बगान सुपर जायंट इंजरी से जूझते हुए देखने को मिल रहा है। मोहन बगान सुपर जायंट का प्लेयर डिमिट्री पेट्राटोस और हुगो बोमोस अवेलेबल नहीं थे, बट अभी हुगो बोमोस और डिमिट्री पेट्राटोस ठीक हो चुका है, बट मोहन बगान सुपर जायंट का और दो प्लेयर इंजियर हो चुका है, सहाल अब्दुल समद और अनिरुद्ध थापा। ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि अनिरुद्ध थापा और सहाल अब्दुल समद कितना अच्छा प्लेयर है सभी जानते ही है। ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के लिए एक एडवांटेज बोल सकते हैं। और इस मैच के लिए मैंने एक फॉर्मेशन लाइनअप तैयार किया है, जिसमें मेरा फॉर्मेशन 5-3-2 फॉर्मेशन है। जुआन पेड्रो बेनाली ने अगेंस्ट केरला ब्लास्टर FC के साथ भी इस फॉर्मेशन यूज किया था, इसलिए मैंने इस फॉर्मेशन को यूज किया है। जुआन पेड्रो बेनाली कल का मैच में भी इस फॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। गोलकीपर की पोजीशन में मिर्शाद मिर्जू, सेंटर बैक की पोजीशन में 3 प्लेयर रहेगा माइकल जेबाको, आसार अख्तर और यासर हमिद, लेफ्ट बैक की पोजीशन में टंडम्बा सिंह, राइट बैक की पोजीशन में दिनेश सिंह, राइट मिडफील्डर की पोजीशन में जिथिन MS, सेंट्रल मिडफील्डर की पोजीशन में मोहम्मद अली बिमेमार, लेफ्ट मिडफील्डर की पोजीशन में फाल्गुनी सिंह, और फॉरवर्ड में 2 प्लेयर रहेगा पार्थिव गोगोई और नेस्टर एल्बियस। नेस्टर एल्बियस के अलावा जुआन पेड्रो बेनाली इप्सल मेलो को भी यूज कर सकते हैं, और यासर हामिद के जगह पर गौरव बोरा को भी यूज करके रोमन फिलिपिटियो को भी खिला सकते हैं। ये मेरा फॉर्मेशन है। ये फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और ये मैच नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के लिए जितना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप लोग इस मैच में कौन जीतेगा या ड्रॉ होगा मैच, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। जय असम, वंदे मातरम।